हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल जिया गोस्वामी फैशन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज बहुत दिनों बाद फिर से ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी आ गए थे तो मैं कुछ ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि उनको भी देखना हो रहा था और शिवरात्रि भी था और बहुत सारे काम भी थे, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और आज अभी सडनली मेरा मूड किया कि क्यों ना मैं एक आज छोटा सा ब्लॉग बना लूं। और तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिया है एक बर्तन, उसमें मैं डालूंगी अनियन, क्योंकि ये पकौड़ा है दो लोगों के लिए। और इसमें मैं डालूंगी धनिया पत्ता, क्योंकि बहुत लोगों को धनिया पत्ता पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी हरी मिर्च, और उसके बाद मैं डालूंगी अदरक लहसुन। ये रहा अदरक, और अब इसके अंदर थोड़ा डालेंगे अजवाइन। अजवाइन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मैं डालूंगी इसमें स्वाद अनुसार नमक, फिर मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी लाल मिर्च, फिर इसमें मैं थोड़ा डालूंगी धनिया पाउडर हल्का, और फिर मैं डालूंगी थोड़ा जीरा पाउडर टेस्ट के लिए, फिर उसमें मैं डालूंगी थोड़ा हल्दी, और उसके बाद मैं जो डालूंगी, हमने लिया है फॉर्चून का बेसन, क्योंकि मैं बेसन फॉर्चून का ही यूज करती हूँ। और ये रहा हमारा फॉर्चून का बेसन, इसे मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी अपने हाथों से ही। मैंने हाथ को किया है बहुत अच्छे से क्लीन, फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी मिक्स करूँगी और इसे मैं मिलाऊँगी। अभी चूरा को हम मिला रहे थे तो थोड़े ताव कम कर दिए थे, अब मैं वापस ताव को पूरी आंच पे कर इसे भी मिक्स कर रही हूँ। और एक साइड हमारा कचड़ी है तो दूसरे छुलनी के सहारे मैं इसे भी पलट ले रही हूँ, क्योंकि मेरा तेल काफ़ी गर्म था तो पकौड़े भी बहुत अच्छे बन रहे हैं और चूरा फ्राई भी हमारा लगभग तैयार ही हो गया है, थोड़े देर में हो जाएगा। तो मैं वापस आपको मिलाऊंगी, तब तक मैं आपको वापस ये दिखा देती हूँ कितने अच्छे से ये बना है। यह है चूड़ा फ्राई और खाने वाले भी आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। चूड़ा तो मैं पहले पहुँचा दी थी और कचड़ी अब जा रहा है, तो कचड़ी भी इन लोगों के पास में रख दे रही हूँ। मुझे ही ले जाना पड़ रहा है क्योंकि पूजा नहीं है, तो काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। हाय गाइस, मैं आज थोड़ा प्रसाद के विषय में डिस्कशन करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर के आसपास में दो शिव मंदिर है, जो कि एक तो हमारे जस्ट घर के बगल में ही है और ये भी हमारे घर के ही बगल में है, तो मैं बीच जगह पे हूँ। मेरे दोनों तरफ शिव जी का मंदिर है और दोनों ही जो मंदिर के प्रांगण के जो वहाँ के संयोजक हैं वो उन लोगों का मीन्स फैमिली रिलेशन हम लोगों के साथ है। तो शंभू पंडित जी जो कि मुझे खीर और बुनिया प्रसाद में भिजवाए थे, और जो अरुण पंडित जी हैं वो लगता है एक मतलब आजकल में भिजवाएंगे, क्योंकि उनका प्रसाद थोड़ा सा बहुत दूर दूर में बढ़ता है तो हो सकता है आने में थोड़ा लेट हो। लेकिन अभी जो हमारे पास जो प्रसाद है अभी जस्ट थोड़े देर पहले ही आया है हमारे पास, तो ये बुनिया और काजू कतली, और इसमें एक दो मिठाई और भी था जो कि मैं पहले खा चुकी हूँ और अभी से मैं फिनिश करने वाली हूँ। तो महाशिवरात्रि का प्रसाद मेरे घर आया है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मैं सबसे पहले मैं वंदन करती हूँ महादेव का, महाशिवरात्रि का प्रसाद मेरे घर के पास आया है, घर में आया है, घर के पास मैं बोल रही हूँ, घर में आया है।
और अभी हो रहे शाम हो चुके हुए हैं और मैं यूं ही बैठी हुई थी, ब्लॉग नहीं बना रही थी 2-3 दिन से, क्योंकि मेरी जो मेड है ना वो सी मीन्स महाशिवरात्रि वाले दिन से मतलब मॉर्निंग में काम की है और मॉर्निंग में ही मुझे बोल दी थी कि मैं 2 दिनों की छुट्टी पे हूँ, तो मुझे दो दो मेड एकदम से छुट्टी पर, तो मेरा जो हाल है वो विदाउट मेड वाला चल रहा है और मैं घर का काम में लगी हुई हूँ, तो ब्लॉग बनाना तो मेरे से संभव ही नहीं हो रहा है। और मेरे दादाजी भी आए हुए थे तो उनका भी मेरा पूरा ध्यान रखना हो रहा था, तो मैं ब्लॉग साफ बिल्कुल नहीं बनाई हूँ। आप देख सकते हो मेरा थोड़ा सर दर्द भी था तो मैं तेल वेल लगा कर बैठी हूँ, और मैं दिखाती हूँ मैं कि खुद से खाना भी बनाई, और अभी जो मेरा टाइम जो गुजर रहा है, कल से मेड ज्वाइन कर लेगी, दोनों ही कर लेगी, क्योंकि माँ बेटी है तो माँ बेटी मेरे घर में काम करती है तो वो दोनों ही कल आ जाएगी, तो मेरा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, तो मैं अच्छा अच्छा ब्लॉग बना के लाऊंगी। तो मैं सोची क्यों ना विदाउट मेकअप वाला भी ब्लॉग होना चाहिए, जो कि रिलैक्स मूड में, जो घर में जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं मज़ा है। तो मैं अभी एक बात बताने जा रही हूँ, सडनली में मेरे साथ कल हुआ क्या था कि मैं अचानक दोपहर समथिंग 2-3 बजे के लमसम में कि मैं बैठी हुई थी और मुझे अचानक से एक दो कॉल आने लग गए। कॉल आए तो मीन्स उठाई मैं कि हेलो क्या, तो उसने बोला आपने क्या फेसबुक अकाउंट बनाया है दूसरा, तो मैं बोली हाँ मेरा है 2-3 अकाउंट है, तो नहीं नहीं ये वाला, तो मैं बोली नहीं नहीं मेरा ये है ही नहीं। और उसके बाद मुझे स्क्रीनशॉट आने लग गए व्हाट्सएप पे कि एक दो के पास जो जिनको मैं जानती थी, तो वो लोग बोल रहे हैं कि देखिए आपके अकाउंट से पैसा मांगा जा रहा है। तो मैं झट से अपने फेसबुक अपनी ओरिजिनल फेसबुक आईडी से मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाला और लोगों से अपील करा कि आप इनके झांसे में ना आएं, क्योंकि ये फेक आईडी है और किसी ने मेरे नाम को यूज करा है, मेरे फोटो को यूज़ करा है, जो कि बहुत गलत है, ये साइबर क्राइम है। तो फिर मैं इस चीज़ को कुछ लोगों से डिस्कशन भी करा कि इस तरह का बात है, तो फिर वो तुरंत में मेरा वो जो आईडी है उसको ब्लॉक किया, उसके बाद मैं रिलैक्स हुई। फिर अचानक से मतलब कल का जो दिन था मेरा हौच पौच हो गया कि उसने ऐसा क्यों करा, तो बहुत लोगों ने कहा कि अरे ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं थोड़ा कम डाउन हुई। फिर खैर मैं एक मोटिवेशन के रूप में, आप लोग यदि अगर हमारा YouTube वीडियो देख रहे हो तो मैं इससे मैं बताना चाह रही हूँ, आप अपने आईडी पे एक सिक्योरिटी लॉक होता है उसको यूज़ ज़रूर करें कि ताकि आपका वो फोटो स्क्रीनशॉट ना ले पाए, सेव ना कर पाए। दूसरा कि जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड में जो अपने लोग हैं उनमें जो व्यक्ति हैं उन्हीं को अपना फ्रेंड बनाएं, अनादर व्यक्ति को फ्रेंड ना बनाएं, नहीं तो इस तरह का केस हरदम देखने को मिलता है। तो सतर्कता ही हम लोग बढ़त सकते हैं, सतर्कता ही एकमात्र उपाय है इन सब चीज़ों के लिए। तो खैर ये तो हो गई मेरी फेसबुक आईडी की डुप्लीकेट बनाकर, और मेरे दादाजी चले गए और मैं थोड़ा सैड भी थी, क्योंकि दादाजी 7 दिन थे हमारे घर पे तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं भी रूटीन पे हो गई थी, मॉर्निंग में उठना है उनके लिए चाय बनाना है, हॉर्लिक्स देना है, सत्तू देना है, फिर उनके लिए पतली पतलियाँ रोटी भर बेलनी है। तो मेरे दादाजी थे तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा था, एक लग रहा था घर में गार्जियन है, और मैंने उनका सेवा भी करा और अब वो चले गए हैं तो मुझे बहुत फील हो रहा है कि अब वो कब आएंगे, आप आएंगे कि नहीं, क्योंकि वो 90 अप्रॉक्स है मीन्स, तो उनकी सेहत हमेशा थोड़ा बहुत ख़राब ही रहती है, लेकिन थैंक गॉड वो हमारे घर आए। मैं अपने आप को
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.